हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल पैनल की पूरी जानकारी। हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी मदद से ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की सेटिंग सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग किस किस प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग है वो कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। कंट्रोल पैनल के अंदर कुछ खास बातें होती हैं दोस्तों, जो मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरेशन कौन सी है, उसके साथ साथ विंडो कौन सा इंस्टॉलेशन किया हुआ है, कितने बिट का है, आपके लैपटॉप की स्पीड क्या है, ये और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिलती है, जो हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कंट्रोल पैनल की पूरी जानकारी वन बाय वन करके। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कंट्रोल पैनल, तो ये देखिए आपके सामने वो आ चुका है। तो वैसे तो कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा तो टाइम वो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो मेन जो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले जो ऑप्शन हैं उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस मैनेजर की। डिवाइस मैनेजर क्या है? डिवाइस मैनेजर अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का एक मीडियम मान लो, माध्यम मान लो। इससे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल तौर पे जैसे ये माउस का आपको जो तीर है वो हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैंने माउस जो मेरे पास अभी हाथ के अंदर है वो एक हार्डवेयर है, और मैंने इसको इसके अंदर कनेक्ट किया अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होके हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो डिवाइस मैनेजर का काम इतना ही होता है कि वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करे रखता है जो आपके सामने है। यदि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे साउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसको हम लोग चाहें तो यहाँ से स्कैन करके अपडेट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें डिवाइस मैनेजर के अंदर है वो शो हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, जैसे आपका VGA है या साउंड के अंदर साउंड नहीं आ रहा है, USB के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तब भी यहाँ पे आपको एरर है वो दिखा देगा। माइक के अंदर, डिस्प्ले अंदर, ब्लूटूथ के अंदर या वाईफाई अंदर, आप जो भी जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम करते हो वो सारा का सारा आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर शो हो जाएगा, जो मैन्युअली विंडो का है। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों दो नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर। तो इस ऑप्शन का काम भी यही होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कनेक्टेड करना। यानी आप अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक्सटर्नल जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हो, जैसे प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है या कोई फ़ोन कनेक्ट किया है या ब्लूटूथ से कोई माउस कनेक्ट किया है, तो आपको जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे तो वो सारे के सारे आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर्स के अंदर है वो शो होंगे। तो इसका काम भी सेम टू सेम वही है जो मैंने अभी आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर बताया था। तो ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किए हुए रखता है, वो भी बाहर से आप कोई चीज़ कनेक्ट करते हो लाइक ए प्रिंटर या आप कोई CPU इसके अंदर कनेक्टेड करते हो लाइन केबल से, या जो भी आप कनेक्टेड करोगे बाहर से, जैसे मेरे अभी पीसी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है मैंने माउस कनेक्ट किया है, एक फ़ोन कनेक्ट किया है, तो ये सारा का सारा है वो शो कर रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा यूजली नहीं होता है पीसी के अंदर। अब बात करते हैं फाइल, तो फाइल ऑप्शन वाले पे हम लोग चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाले पे कि फाइल ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है। तो फाइल ऑप्शन के अंदर आप ये सारा ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना जो मेन्यू बार है वो किस टाइप से दिखाना है। एक बार क्लिक करने पर जैसे एक ही पेज ओपन हो या दो बार ओपन हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके दो बार ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको सिंगल क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, वो आप पे डिपेंड है, कोई भी आप इसमें से चॉइस कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसी में व्यू के अंदर आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हो,
छिपा सकते हो और वापस से वो शो कर सकते हो। किसी फोल्डर को हाइड करना हो तो यहाँ पे आप डोंट शो कर दोगे तो फोल्डर हाइड हो जाएगा, शो कर दोगे तो फोल्डर है वो दिखाई देगा। तो ऐसी बहुत सी सेटिंग हैं इसके अंदर जो अभी तक आपने कभी कंट्रोल पैनल यूज़ नहीं किया है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग जैसे हाइड वाले टाइप नॉलेज के अंदर, इसमें जैसे मान लो कोई MP3 या कोई वीडियो आपकी फाइल है तो उसको आप हाइड कर सकते हो तो वो MP3 की तरह शो नहीं होगी, तो उसको कोई प्ले नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको पता ही है फाइल हिस्ट्री है, उसके बाद ये फ्लैश प्लेयर है जो बीट के अंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फॉन्ट। फॉन्ट यहाँ पे हम लोग फॉन्ट है वो एक्स्ट्रा फॉन्ट भी अपने, आपके पास कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसमें क्या होता है जैसे आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो या आप ज़्यादा राइटिंग का काम आप ज़्यादा कर रहे हो, लिखने का काम आप ज़्यादा कर रहे हो अपने PC के अंदर, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फॉन्ट भी डाल सकते हो जिससे आपके PC के अंदर जो लिखने की फॉन्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं तो ये भी हम लोग ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, ये तो आपको पता ही है इंटेल HD ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर भी हम लोग डिस्प्ले को सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आता है ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन के अंदर यदि आप इंटरनेट विंडोज़ का खुद का ब्राउज़र यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है, तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। यदि आप उस ब्राउज़र के अंदर जैसे ब्राउज़र आप ओपन करते हो, ब्राउज़र ओपन करते ही आपको कौन सी वेबसाइट है जो सबसे होम पेज पे खोलनी है, ओपन करनी है, वो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सब कुछ मिल जाता है, कनेक्शन प्रॉब्लम और बहुत कुछ मिल जाता है जो यहाँ पे आपको जो सेटिंग करनी होती है ब्राउज़र के अंदर वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी ब्राउज़र के लिए है जो आपके विंडो के अंदर वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आगे दोस्तों हम लोगों के पास ऑप्शन आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली हमें जैसे अपने जो लिखने का जो होता है वो कैसे शॉर्ट करना है, स्पीड कैसे फास्ट करनी है, स्लो करनी है, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। बाकी हम लोग जब राइट करते हैं, लिखते हैं, उस समय अपने आप ही अपने वहाँ से सेटिंग्स और फॉन्ट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप स्लो लॉन्ग जैसे ये सेटिंग है वो करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे आता है माउस का। तो माउस वाले ऑप्शन के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जैसे ये माउस पे टैब आ गया तो इस पर आप चेक कर सकते हो कि आपका माउस है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखिए। तो ये सारा काम है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। माउस की स्पीड जो ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है तीर का, तो उसको आप कितना स्लो फास्ट करना चाहते हो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। पॉइंट्स किस टाइप का लेना चाहते हो वो यहाँ से आप पॉइंट्स चेंज कर सकते हो, और पॉइंट्स का ऑप्शन भी आपके पास आता है कि पॉइंट्स डायरेक्ट ऐसा जाए या फिर ऑटोमेटिक किसे जाए या इस तरीके से डिस्प्ले के अंदर जाए या इस तरीके से ओपन करो तब ऐसा हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको वो ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप बदल सकते हो अपने PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों अगला जो है वो है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर, जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो तब यहाँ पे आप इंटरनेट शेयरिंग पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, सेटिंग्स है जिनको आप बदलाव कर सकते हो। तो इसके अंदर आप जितने भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो कोई भी आपको बदलाव करना होता है अपने, जैसे IPS एड्रेस चेंज करना चाहते हो या कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से कर सकते हो, और जो इंटरनेट चला रहे हो वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो मैंने जो अभी वाईफाई कनेक्ट किया है वो टेक्निकल दोस्त इंडिया नाम से कनेक्शन आया हुआ है, तो ये सारा आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में चेक कर सकते हो। और कुछ बदलाव करना है तब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, चेंज योर एडाप्टर सेटिंग्स, चेंज योर एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, तो इनमें आप कोई भी सेटिंग्स है वो बदलाव है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ बैटरी वाला ऑप्शन है, पावर ऑप्शन। तो इसके अंदर भी आप अपने लैपटॉप की या डेस्कटॉप में अब यूज़ करोगे तो ये डेस्कटॉप के अंदर ऑप्शन है वो नहीं आएगा, लेकिन लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन आता है ताकि हम लोग अपनी ब्राइटनेस को कम कर सकें, ज़्यादा कर सकें और बैटरी को सेव कर सकें, इसलिए ये ऑप्शन आता है। तो इसके अंदर ये सारी सेटिंग्स है वो आपको
मिल जाएगी और इजीली आप उनके अंदर वो चेंजिंग कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोग्राम्स एंड फ्यूचर्स की। तो प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिलता है, आपके पीसी के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन किया हुआ है और आपको उनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर वो अनइंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप यहाँ से वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल है वो कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, यहाँ से आप अनइंस्टॉल करोगे या चेंज करोगे तो ये सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल है वो हो जाएगा पीसी के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन है वो मोस्टली हम लोगों को सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए काम में आता है। और लगभग ये जो सॉफ्टवेयर अदर जो है ये लगभग बहुत कम काम में लेते हैं। बात करते हैं साउंड की, तो साउंड को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो, माइक वाला ऑप्शन चेंज कर सकते हो और उसकी कनेक्टिविटी है वो चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर माइक वाले में मिलता है, साउंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये सब मिलता है। उसके बाद करते हैं यूज़ अकाउंट। तो यूज़ अकाउंट के अंदर आप अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप के अंदर अपना अकाउंट है वो बना सकते हो और यहाँ पे पासवर्ड है वो भी सेट कर सकते हो। एक पीसी के अंदर आप दो अकाउंट बना सकते हो, तीन अकाउंट बना सकते हो, जितना आप चाहो उतने अकाउंट को यहाँ पे आप है वो एक दो अकाउंट है वो आराम से बना सकते हो और पासवर्ड है वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो जहाँ यूज़र अकाउंट के अंदर। तो मोस्टली दोस्तों जितने लगभग ऑलमोस्ट लगभग हम लोग सिस्टम में यूज़ लेते हैं वो मैंने आपको बता दी। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग यूज़ लेते हैं लेकिन मोस्टली वो यूज़ नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। और टाइम डेट को भी आप यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर जाके वो टाइम और डेट्स को वो भी चेंज कर सकते हो। तो अब लगभग जितना तो बात करते हैं सिस्टम के अंदर आप अपने कंप्यूटर अंदर चेक कर सकते हो कौन सा विंडो है, रैम कितने जीबी है, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सी जनरेशन है, तो ये सारा आपको सिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि इंटेल कोर i5 है जो जनरेशन आपको 5 जनरेशन बता रहा है और कितना गीगा हर्ट्ज है, 2.20 गीगा हर्ट्ज है, रैम कितनी है 8 GB रैम है, जो सिस्टम टाइप है वो 64 बिट सिस्टम टाइप है और प्रोसेस का सारा स्पीड वगैरह सब आपको यहाँ पे बताता है। विंडो 10 है वो भी आपको पूरा यहाँ पे दिखाता है। तो ये दोस्तों टास्क बार है, ये तो आपको सबको पता ही है, टास्क बार के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर क्या होता है, आपका कोई प्रोग्राम है जो पुराना विंडो था उसके अंदर जो प्रोग्राम रनिंग करता था और जिसने अपने नया विंडो इंस्टॉलेशन कर लिया और वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप उस एरर को वो सही कर सकते हो, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों लगभग मैंने कंट्रोल पैनल के अंदर जो मोस्टली हम लोग काम करते हैं तो सब कुछ है वो बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बने रहिए दोस्तों टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंट्रोल पैनल की पूरी सेटिंग है वो लगभग समझ में आ चुकी होगी। तो ये सारी सेटिंग्स होती है वो कंट्रोल पैनल के अंदर होती है और शायद अब तक आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ।